टनल एपिसोड थर्ड 1986 का सीन दिखाया गया है, जहां पर हमें पता चलता है कि एक किलर है वो जो कि सिगरेट फूंक रहा होता है और वहां पर एक लाश पड़ी होती है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद हमें पता चलता है कि वो जो लाश पड़ी है वो वापस से उठ चुकी है, यानी कि ये लड़की जिंदा थी। एंड फाइनली 2016 का सीन दिखाया गया है, जहां पर एक औरत अपनी कार से उतरती है एंड वो देखती है और कहती है कि काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है, साथ ही वो अपने सामान को भी अपने साथ लेकर जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया है कि किस तरह से 2016 में अभी एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहां पर हमें एक पैर मिला है जो कि कटा हुआ है एंड वो पैर देखकर लगता है कि उसे सिर्फ एक या दो महीने हुए हैं। बर्फ की वजह से वो लाश का जो पैर है वो अभी तक सड़ा नहीं है, इसलिए सभी लोग इन्वेस्टिगेशन वाली जगह पर पहुँचते हैं एंड उस पैर को देखते हैं जहाँ पर पॉलीथीन से वो लिपटी हुई थी, जहाँ पर ये बंदा बताता है जो कि एक इन्वेस्टिगेटर है एंड वो बताता है कि सिर्फ लाश 2 से 3 महीने की है। जो हमारा पार्क है यानी डिटेक्टिव पार्क, वो अभी भी सोच रहा होता है कि जो कल्प्रिट है वो इस टाइम लाइन में क्यों आएगा, साथ साथ वो और भी चीज़ें सोचता है वो वापस कैसे जा सकता है। तभी उसे दिखाया गया है 5 तिल के निशान, जिसे देख कर वो समझ जाता है कि जैसे कि उसने 6 नंबर का पैर या फिर 6 तिल वाले पैर को देखा था, लेकिन उसमें से 5 नंबर वाला तिल का पैर नहीं था। इसका मतलब वो कटा हुआ पैर इस जगह पर मिला है, यानी कि 2016 में, इसीलिए उन्हें 1986 में वो लाश नहीं मिली है। अब इन सभी चीज़ों को सोचते हुए जो हमारा डिटेक्टिव पार्क होता है इस केस को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पा रहा होता है। अब हमें प्रोफेसर शिन को दिखाया गया है। यहाँ पे प्रोफेसर शिन जो एक है क्लास लेने के लिए आई होती है साइकोपैथ के ऊपर एंड यहाँ पे सभी बच्चे बैठे होते हैं। फाइनली यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्टर्ब इमेजेस को दिखाया गया है, जहाँ पे जो किलर्स हैं वो काफ़ी ब्रूटली तरीके से लोगों को मार रहे होते हैं। फाइनली हमें कुछ और चीज़ें क्लैरिफाई कर दी जाती हैं कि जो हमारे मर्डरर्स होते हैं फिर किलर्स होते हैं वो उन लोगों का हाथ जो है टेप से बांधते हैं एंड यहाँ पे जो प्रोफेसर शिन होती हैं वो अपने एक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा डरा देती हैं कि वो क्लास छोड़कर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है एंड हमें यहाँ पर दिखाया गया है डिटेक्टिव पार्क को, जो कि यहाँ अपने एक और साथी के साथ होता है एंड यहाँ पर ये लोग बात करने के दौरान पता चलता है कि ये DNA, अब यहाँ पर पता चलता है कि जो डाटा DNA है ये इन लोगों के पास 2016 में सभी लोग का है, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म होती है कि ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इस लड़की का DNA मिल पाएगा अभी या नहीं, ऐसा डॉक्टर कहता है। हमें कुछ चीज़ें और पता चलती है कि जो प्रोफेसर शिन है वो भी इस जगह पर आई होती हैं। अब यहाँ पे देखते आया जाता है कि जो प्रोफेसर शिन है वो सुन योल से बात कर रही होती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लोकेशन पर होती है जहाँ पर सभी के सभी पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, एज अ विजिटर वो यहाँ पर आई होती हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जो 20 से 30 के एज के बीच में जो लड़कियाँ हैं उनके बारे में चेक कर रहे होते हैं लोग एंड यहाँ पर जो हमारा डिटेक्टिव पार्क होता है वो कह रहा होता है कि हमेशा 40 से 50 के बीच में जो औरतें हैं उनका DNA चेक करो एंड यहाँ पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पे किसी भी तरह के CCTV कैमरा में उसकी कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं आई है एंड इस चीज़ को समझ जाता है कि क्योंकि ये जो मर्डर हुआ है वो 1986 में हुआ था, तो 2016 के कैमरे में ये कुछ भी नहीं दिखेगा। सभी लोग अभी भी ढूंढने में लगे हुए होते हैं पूरी बॉडी को, लेकिन अभी तक बॉडी नहीं मिली थी। दूसरी तरफ सभी लोग एक मीटिंग बैठाते हैं एंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने काफ़ी सारी लड़कियों की लिस्ट निकाली है जो कि इस मर्डर में हो सकती हैं, लेकिन DNA भी किसी का भी रजिस्टर नहीं है या फिर ये अभी तक मरी ही नहीं है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को वो बताता है कि 20 से 30 के बीच में कोई भी लड़की यहाँ नहीं मिलेगी, सारी लड़कियाँ 40 से 50 के बीच में होंगी, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं सुनता और वहाँ से चले जाते हैं सब लोग। लेकिन यहाँ पे जो चीफ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से सुन रहे होते हैं एंड वो समझ नहीं पा रहे होते कि इस बंदे को क्या चुल्ल मची हुई है उन डॉट्स या फिर कहो तिल को लेकर, क्योंकि ऐसी चुल्ल सिर्फ उसके दोस्त के पास थी 1986 में। आफ्टर ऑल जो हमारा पार्क होता है वो पीछे मुड़कर देखता है एंड सभी लोग जा चुके होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया प्रोफेसर शिन को जो कि उन सभी डिस्टर्ब इमेजेस को देख रही होती हैं, जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि वहाँ पर लाश है भी या नहीं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है एक डिटेक्टिव को जो कि हमारे पार्क का साथी है एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि क्राइम एक्चुअल में यहाँ पर हुआ ही नहीं है, क्राइम कहीं और हुआ है, लेकिन बॉडी यहाँ पर तुम्हें मिले ही है, ऐसा वो बताती हैं एंड कुछ और भी चीज़ें पता चलती है सस्पेक्ट के बारे में एंड यहाँ पर वो कहती है कि जो सस्पेक्ट की फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल हैं या फिर वो ऐसे विक्टिम है जो कि चाहता है कि लड़कियाँ मरे जिन्हें, या फिर कहूँ ब्रेकअप टाइप की। खैर यहाँ पर वो ये सारी चीज़ें वो सिर्फ गेस की रही होती हैं। यहाँ पर वो पहुँचता है डॉक्टर के पास
जब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो हमारा डिटेक्टिव है मिन्हा, तो यहाँ पर वो डॉक्टर के पास जाने पर पता चलता है कि एक भी विक्टिम की, या फिर कहूँ एक भी ऐसा कोई लड़की नहीं है जिसका अभी तक डीएनए मैच किया हो। इस चीज़ को वो जाके चीफ को बताता है एंड चीफ कहता है कि हमें और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। एंड सभी लोग को वो बताने की कोशिश करता है कि वो सारी लड़कियाँ 30 से 50 के बीच में होंगी एंड 5 डॉट्स वाली लड़कियों के पीछे वो पड़ा होता है। एंड यहाँ पर वो कहता है कि अगर उसे कुछ चीज़ें और पता चल जाए या फिर तुम उसे छूट दो तो जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों के बारे में बात करके तुम्हें बता सकता है। फाइनली वो एक जगह पर जाता है जिससे वो उन सभी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो कि 40 से 50 के बीच में होती हैं एंड उन औरतों की लिस्ट निकालता है। एंड उन औरतों की लिस्ट निकालने के बाद उस टैक्सी ड्राइवर को पकड़ता है जिसे हमने episode 1 में भी देखा था एंड episode 2 में भी, क्योंकि ये एक रिपोर्टर का बेटा है। फाइनली यहाँ पर ये भी एक पुलिस स्टेशन में ही काम करना चाहता है, इसलिए उसे वो काफ़ी जल्दी राज़ी कर देता है ये कहते हुए कि मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हारी जॉब लगवा सकता हूँ पुलिस में। इस बात से खुश होता है एंड यहाँ पर वो बताता है कि वो पार्क है एंड यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में वो पूछता है। वो बताता है कि वो एक ऑफिसर है एंड काफ़ी अलग अलग औरतों से मिलता है लेकिन सभी औरतों का डीएनए किसी से भी मैच नहीं होता। फाइनली यहाँ पर यानी कि उस बॉडी से प्रोफेसर शिन के पास आती है सियोनुल। अब यहाँ पर ये जो है वाइफ हैं हमारे पार्क की 2016 वाली। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ये सारे चीफ जो हैं ये सब कुछ पढ़ रहे होते हैं कि किस माउंटेन पर ये सही चीज़ें मिली हैं लेकिन अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन में आगे नहीं बढ़ पाया है। दूसरी तरफ जो हमारा डिटेक्टिव पार्क होता है वो अभी भी ढूंढने में लगा हुआ होता है उस औरत को एंड उसे एक होटल का रूम मिलता है एंड यहाँ पर उसे पता चलता है कि इस जगह पर एक लेडी रहने आई थी जिसने अभी तक किसी भी तरह से पैसे या कुछ भी नहीं भरे हैं एंड इसका रूम भी हमने सामान फेंक दिया है। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि यही सस्पेक्ट होगी, इसलिए वो सभी के सभी चीज़ों को इकट्ठा करने की सोचता है एंड फाइनली एक जगह पर जाकर पहुँचता है। अब ये कमरा में काफ़ी सारे कपड़े रखे होते हैं एंड काफ़ी सारी क्रीम्स और बाकी चीज़ें रखी होती हैं जहाँ से वो उन डीएनए को कलेक्ट करता है एंड यहाँ पे वुमेन यूनिवर्सिटी को दिखाया गया है। अब फाइनली यहाँ पर और भी चीज़ें दिखाई गई हैं कि उस लड़की का डीएनए जब चेक किया जाता है तो वो मैच कर जाता है एंड सभी लोग को कॉल आता है कि पुलिस स्टेशन में कॉल आता है जिस चीज़ को हमारा डॉक्टर कॉल किया होता है एंड वो कहता है कि जो ये फिंगरप्रिंट्स हैं उसके रिजल्ट्स मैच करते हैं। एंड इस चीज़ को सुनकर चीफ के भी होश उड़ जाते हैं कि 40 से 50 साल के बीच वाली औरत का डीएनए उस जवान लड़की के पैर कटे हुए पैर से कैसे मैच कर सकता है। एंड सभी लोग के होश उड़ने के बाद सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं उस डिटेक्टिव पार्क को जिसने काफ़ी अच्छा गेस किया था एंड 49 ईयर्स की एज है उस औरत की। फाइनली यहाँ पे और भी ज़्यादा शक कंफर्म हो जाता है कि ये कोई और नई डिटेक्टिव पार्क है जो कि 2016 में खो चुका है एंड इन डॉट्स के बारे में सिर्फ डिटेक्टिव पार्क को ही पता था। अब वो कुछ अपने फ्लैशबैक्स को याद करते हैं कि चीफ जब चीफ नहीं थे वो एक साथी थे डिटेक्टिव पार्क के। इन सभी चीज़ों के बारे में सिर्फ डिटेक्टिव पार्क को ही पता था कि उन विक्टिम्स के पैर में जो निशान है या फिर जो डॉट्स है उन्हीं के हिसाब से वो मर्डरर कत्ल कर रहा है उनका। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि इनका आपस में कोई भी लिंक नहीं होता, फिर भी चीफ वहाँ पर आकर डिटेक्टिव पार्क को काफ़ी खरी खोटी सुनाते हैं। वो पूछते भी हैं कि तुम हो कौन एक्चुअल में, क्योंकि ऐसी जानकारी सिर्फ एक ही आदमी रखता है, डिटेक्टिव पार्क। लेकिन तुम्हारा नाम सिर्फ सेम है लेकिन तुम वो नहीं हो सकते क्योंकि वो 1986 में ही खो चुका है। खैर यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बताता डिटेक्टिव पार्क एंड अपने वो साथी के साथ उस जगह से निकल जाता है बाकी चीज़ों के बारे में सोचते हुए। इस पर वो कहता है कि अगर वो 30 साल बाद यहाँ पर आई है और वो वापस भी गई होगी, यानी कि उसने टाइम ट्रेवल किया होगा, उससे उसका ज़रिया मिल सकता है वापस लौटने का, ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। तभी ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जिस पर वो कहता है कि मुझे भी फ़ोन चाहिए एंड वो जब बाहर निकलता है तो वो कहता है ये कैसी चीज़ है। एक्चुअल में वो फ़ोन को पहली बार देखा होता है 2016 में, तो यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक फैक्ट्री में वर्कर है जिसका नाम योंग जो है। अब योंग जो जो है यहाँ पर वो मालिक से मिलते हैं एंड वो बताता है कि हाँ योंग जो काफ़ी लंबे समय से यहीं पर काम कर रहा था लेकिन उसने कुछ समय पहले ही जॉब छोड़ दिया है। अब सभी लोग इन्वेस्टिगेशन को सोच रहे होते हैं कि उसने कैसे फाइंड करें, तो यहाँ पर कैमराज जितने होते हैं उन सभी को चीज़ों को चेक करते हैं कि वो औरत कहाँ गई है एंड उन्हें एक आदमी दिखता है उस औरत को ले जाते हुए लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाते। अब यहाँ पर जुंग हे जो कि 30 सालों से यहीं पर रह रही होती है या फिर 30 सालों की है, यहाँ पर से वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इस प्रोफेसर शिन को भी ऐड करना चाहते थे एंड वो सीसीटीवी कैमरा के जो फुटेजेस हैं वो उन्हें भी भेज देते हैं। कारखानों के अंदर दिखाया गया कि सभी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जैंग योंग को दिखाया गया है
जहाँ पर वो लोग बताते हैं कि उन्होंने जॉब जो है क्विट कर दी है। अब जोंग यांग जो है एक्चुअल में उसका नाम यंग जा है, जिसे हम लोग ढूंढ रहे हैं ये लोग कल्प्रिट को। अब हमें 1986 का सीन दिखाया गया है जहाँ पे दो टिकट्स बुक करते हैं ये लोग। एक्चुअल में ये योन है जो कि मिस डिटेक्टिव पार्क की वाइफ है। खैर यहाँ पे डिटेक्टिव पार्क को ये सभी बातों को भूल कर 2016 में दिखाया गया वापस से सीन। एंड वो लोग उसका चेक भी करते हैं रूम को, जिस पर बताता है कि जो मिस्टर जैंग है वो काफ़ी लंबे समय से पहले ही चले गए हैं एंड वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में थे और उन्होंने काफ़ी लंबे दूर तक का सफ़र तय करने के लिए यहाँ से जा चुके हैं। तभी वहाँ पे मिन हा को कॉल लगाता है जो डिटेक्टिव होता है एंड वो कहता है कि वो लोग पीछे पड़े हुए हैं एंड 200 मीटर की दूरी पर ही योंग जा है। एंड यहाँ पर वो अपनी वाइफ के मरने के बाद वहाँ पर वो खुद भी अब जहर पीकर मरना चाहता था, लेकिन उस दौरान डिटेक्टिव आ जाता है एंड कहता है हम लोग पुलिस वाले हैं तो हमारे साथ चलो। एंड यहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि तुम्हारे वजह से काफ़ी सारी लड़कियाँ मारी गई हैं एंड तुमने ही अपनी बीवी को मारा है, जिस पर वो कहता है कि ये सब कुछ झूठ है। वो आज सुबह अपनी जॉब को क्विट करके यहाँ पास से आया था मरने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर सभी ट्रेसेस को देखे जाते हैं कि ब्लड ट्रेसेस यहाँ पर है या नहीं, क्योंकि ये घटना 30 साल पहले हुई थी इसलिए ब्लड ट्रेसेस मिलना मुश्किल है अब इस कारखाने के अंदर। लेकिन ये लोग फिर भी सर्च करते हैं क्योंकि इन्हें भरोसा नहीं होता है, उन्हें लगता है कि लाश 2016 में मिली है, इसका मतलब ये लाश यहीं से बिलोंग करती होगी। तो सभी लोग एक फुटेज को देखने की कोशिश करते हैं एंड यहाँ पर वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये बंदा है कौन। तो प्रोफेसर शिन उस फुटेज को 3 बार देखती है एंड 3 बार में ये निष्कर्ष निकलता है कि जो लड़का आदमी उसे मारा है एक्चुअल में उसका हाथ भी कटा हुआ है। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो कॉल करती है एंड यहाँ पे लेफ्टिनेंट को कॉल करने पर उसे पता चलता है कि जिस बंदे ने उसे मारा है एक्चुअल में उसका एक हाथ है ही नहीं। एंड इन सभी चीज़ों के बारे में बताने के बाद उसे सिर्फ ध्यान आता है उस कारखाने के मालिक के बारे में। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो एक चीज़ और कंफर्म करता है कि उस लेडी को जिसने मारा है या फिर उसका पैर काटा है वो एक आरी से काटा गया है, जिसकी वजह से ही उस जगह पर तैयार सभी लोग तफ्तीश कर रहे होते हैं, फिर जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है उस मालिक को, कारखाने के मालिक को, जो कि वहाँ से भागने की कोशिश करता है एंड लेफ्टिनेंट एंड डिटेक्टिव पार्क दोनों मिलकर उसे पकड़ने की भी कोशिश करते हैं। कैसे तैसे करके ये लोग एक नदी के पास पहुँचते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। डिटेक्टिव पार्क भी इस बात को समझ चुका था कि इस बंदे ने अपनी बीवी का खून किया है या फिर अपने ब्रेकअप करने के बाद अपनी गर्लफ्रेंड का खून किया है, जिस पर वो कहता है कि तुम ह्यूमन नहीं हो, तुमने सिर्फ अपने लिए बारे में ही सोचा है एंड यहाँ पर तुमने काफ़ी सारी लड़कियों की जान भी ली है। एक्चुअल में ये 1986 की बात कर रहा होता है जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि 2016 में किसी को भी पता ही नहीं है कि कातिल कौन है सीरियल किलर के बारे में। अब यहाँ पे 2016 में कोई भी सीरियल किलर बचा ही नहीं था, इसलिए शायद इन लोग को किसी को भी नहीं याद है कि 1986 में क्या हुआ था। फाइनली एक और इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाती है, जिस पर वो बंदा बताता है कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आई थी एंड वो भी वहीं पर था एंड यहाँ पर वो अपनी वाइफ से आखिरी बार मिलने के लिए आया था। इस पर वो कहता है कि वो मुझे हमेशा ही योंग जा नाम से बुलाती थी एंड वो उस दिन पूछती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो एंड उससे कुछ और भी सवालात करती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं रह गया है। फाइनली वो इतना कहता है कि तुम मेरे साथ चलो एंड चाय पियो, जिसके बाद वो कहती कि ठीक है एक आखिरी बार। इस चीज़ को देखने के बाद जो हमारा कल्प्रिट होता है वो कहता है कि ठीक है एंड वो उसे अपने घर लेकर जाने वाला होता है। एंड घर ले जाने के दौरान एक कहानी बनाई जाती है लेफ्टिनेंट के द्वारा कि तुमने बुरा इस रास्ते में ही अपनी बीवी को मार दिया कैमरे की नज़र में ना आते हुए, जिस पर वो कहता है कि बिल्कुल गलत, मैंने तो ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है। एक्चुअल में मैंने अपनी बीवी को कारखाने में ले जाकर उसका उसी हाथ से गला का दबा कर मार दिया जो हाथ मेरा नकली था। एंड यहाँ पर एक बात सच हो जाती है प्रोफेसर शिन की कि उस बंदे को मारने वाला कोई और नहीं, जिसका ऐसा बंदा होगा जिसका एक हाथ है ही नहीं। एंड ऑफिसर जियोन जो होता है वो रोक लेता है। यहाँ पर जियोन जो होता है वो चुपचाप चला जाता है क्योंकि वो कभी भी पार्टी नहीं करता एंड उसे कॉल आता है प्रोफेसर शिन का एंड इन दोनों के बीच में एक बात होती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि जो लेफ्टिनेंट हैं वो प्रोफेसर शिन का जो नाम है या फिर मोबाइल नंबर सेव कर लेते हैं एंड इन दोनों के बीच में शायद कुछ आगे चलकर हो भी सकता है। फाइनली सभी लोग पार्टी करने आते हैं एंड यहाँ पर पहले तो हमारे डिटेक्टिव पार्क का मन नहीं होता, लेकिन वो भी बाद में आ जाता है। यहाँ पे जो डिटेक्टिव पार्क होता है दारू पीने के बाद वो एक चीज़ डिसाइड करता है कि वो अब अपने जूनियर को या फिर कहो जो उसका 1986 में जो दोस्त था शुंग शिक वो उसे जाके बताएगा
अब ये इस नाम से बुलाते ही जो हमारा डिटेक्टिव का हेड मैनेजर होता है वो कहता है कि क्या बोला तुमने मुझे अभी। चीफ को ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन वो धीरे धीरे समझ जाता है कि ये 1986 वाला ही दोस्त है उसका जिसका नाम डिटेक्टिव पार्क है, एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड वो समझ जाता है कि शायद यही निकलने का एक रास्ता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त बाहर निकल कर देखने की कोशिश करता है तो उसे एक चीज़ पता चलती है कि वहाँ से वो जा चुका है। एंड डिटेक्टिव पार्क उस टनल के पास आता है जिस टनल से उसने टाइम ट्रेवल किया था। अब ये टाइम ट्रेवल करने की जो घटना होती है वो वापस से दोहराना चालू करता है एंड सोचता है कि वो वापस से अपने टाइमलाइन 1986 में वापस पहुंचेगा अपनी बीवी योन जोल के पास। एंड यहाँ पर योन की बात को याद करता है, मिसेस पार्क को दिखाया गया है जो कि 1986 में वहाँ पर उसका इंतज़ार करेंगी। ऐसे ही सब कुछ दिखाया जाता है कि उसने टाइम ट्रेवल एक बार फिर से किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड वो वापस से 2016 में ही होता है। उस टनल से उसने दोबारा से 1986 में ट्रेवल नहीं किया था जिसकी वजह से रात होती है। एंड 2016 में वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि अब वो क्या करे जिससे वो 1986 में अपनी बीवी के पास पहुंच सके। एंड यहाँ पे हमें दो सीन दिखाए जाते हैं, एक 2016 एक 1986 सीन का, जहाँ एक तरफ उसकी बीवी एंड एक तरफ वो खड़ा है। फाइनली वो दुखी होकर एक जगह पर जाकर बैठ जाता है एंड वहीं पास ही के जंगल में एक बंदे को दिखाया भागते हुए जो कि किसी आदमी से छुप रहा होता है। एंड अब ये आदमी कौन है हमें ये बात तो आगे ही पता चलेगी। फाइनली वो छुपने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है उस बंदे से, शायद ये एक किलर भी हो सकता है जो कि इसे मारना चाहता है। एंड ये कोई और नहीं, हो सकता है डिटेक्टिव पार्क का बेटा हो जिसे हमने एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में ही देखा था, और ये पार्क 2 हो सकता है। एंड यहाँ पर एपिसोड एंड होता है। गाइस आई एम रियली सॉरी कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी डल है, लेकिन मैं इसके अगले एपिसोड को काफ़ी अच्छी तरीके से लाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ये न्यू चैनल है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।